ये सारी चीज होती है इसकी मतलब गेयरबॉक्स के अंदर। और ये प्लस माइनस और एम का मतलब है ये मैनुअल के अंदर आप शिफ्ट करके यहाँ पर गियर बढ़ा सकते हैं, आगे करते हैं, प्लस करते हैं। अगर मैं बिना ब्रेक के यहाँ पर इसको बटन को दबा के हिलाऊंगा तो ये चीज़ नहीं हिलने वाली है। पीमे भाई, अगर आपको कहीं गाड़ी पार्क करनी है और अगर आपको गाड़ी बंद कर कर बाहर निकलना है तो आपको गाड़ी पार्किंग पर ही करनी पड़ेगी, वरना आपकी गाड़ी लॉक नहीं होगी। जय बोले कि सारे भाइयों को, मैं आपका भाई सचिन गौर। आज हम भाई आपको बताने वाले हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी किस तरीके से चलाई जाती है। बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनको दिक्कत रहती है कि यार ऑटोमेटिक गाड़ी ले तो लेंगे लेकिन फिर उस गाड़ी को चलाएंगे कैसे, कभी हमारे से गाड़ी ठुक जाए, हमारे से ना चले। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई साइंस नहीं है इस गाड़ी के अंदर चलाने के लिए कि आपको कुछ अलग से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जो आप लोगों को मतलब इतना घबराना नहीं है, बहुत सिंपल होती है ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी। और भाई इससे पहले मैंने एक मैनुअल गाड़ी, मतलब जो मैनुअल गाड़ी जो बेसिक स्टार्ट होता है गाड़ी चलाने वाले, जैसे नए बंदे हो उनको नई नई गाड़ी चलानी सीखनी होती है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाई थी मैंने। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आप गाड़ी किस तरीके से चला सकते हैं, तो वो मैं आई बटन के अंदर डाल दूंगा लिंक, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं कि आप मैनुअली गाड़ी किस तरीके से चला चला सकते हैं। बेसिकली अभी बात कर लेते हैं भाई अपनी टाटा हैरियर की। ये भाई इसकी कीज़ हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कीज़ आती हैं। कीलेस एंट्री मिल जाती है आपको, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है भाई इसका ऑटोमेटिक गियर, जिसकी वजह से आप लोग शायद ये वीडियो देखने आए हो कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो भाई इसका क्लच गायब हो जाता है, आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर क्लच ही नहीं मिलता है, सबसे मेन चीज़ जिस वजह से लोग घबराते हैं। जिनको मैनुअल गाड़ी चलाने की आदत हो जाती है वो थोड़ा घबराते हैं कि यार ऑटोमेटिक गाड़ी लेंगे तो हमारे से चलेगी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत इजीली चला सकते हो। बिल्कुल बिगनर्स हैं वो सीधी डायरेक्ट ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि आप कैसे चला सकते हैं। पहले भाई गाड़ी के अंदर आप सिंपली बैठते हैं तो आपको पहले अपनी कमांडिंग देखनी है, अपनी हाइट, अपनी रिक्लाइन एंगल आगे पीछे करके अपने हिसाब से गाड़ी को सेट कर लो। स्टेयरिंग को आप अपने हिसाब से सेट कर लो आगे पीछे करके, जैसे भी आपको स्टेयरिंग सेट करना है। और इसका IRVM होता है उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो ताकि आपको पीछे का प्रॉपर दिख सके। IRVM सेट हो गए, अब इसके ओआरवीएम्स को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो ताकि आपको पीछे की विजिबिलिटी प्रॉपर हो सके जिस कमांडिंग पर आप बैठे हैं, पैर रख सकते हैं। मेन चीज़ है इसकी भाई गाड़ी के अंदर इसका ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स, जिसकी वजह से काफ़ी लोग घबराते हैं। और यहाँ पर आप दिखाएं तो ये आपको मिलता है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन। और ये भाई गाड़ी ऐसे स्टार्ट नहीं होती है, आपको सबसे पहले ब्रेक को प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये बटन दबाएंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। इन केस अगर आपने ब्रेक नहीं दबाई है और आप गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इग्निशन ऑन हो जाएगा, गाड़ी की सारी चीज़ें ऑन हो जाती है लेकिन आपका इंजन ऑन नहीं होता है, उसके लिए आपको ब्रेक दबाकर गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आता है इसका ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स, हर गाड़ी के अंदर अलग होता है भाई, AMT होता है, IMT होता है, DCT होता है, ये सारे गेयर बॉक्स होते हैं, मतलब बहुत तरीके के गेयर बॉक्स है लेकिन सबके साइंस एक ही है कि डी पर आप चला लगा देते हैं तो आपकी गाड़ी चलने लग जाती है। वो चीज़ कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपकी गाड़ी है पार्किंग पर, पी मतलब पार्किंग, आर मतलब रिवर्स, एन मतलब न्यूट्रल, डी मतलब ड्राइव, ये सारी चीज़ें होती है इसकी मतलब गेयर बॉक्स के अंदर। और ये प्लस माइनस और एम का मतलब है ये मैनुअल के अंदर आप शिफ्ट करके यहाँ पर गियर बढ़ा सकते हैं, आगे करते हैं, प्लस करते हैं, पीछे माइनस करते हैं, तो आप गियर कम कर सकते हैं गाड़ी के अंदर जैसे मैनुअली होता है, वो चीज़ का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है लेकिन क्लच फिर भी नहीं मिलती है। स्टार्ट करते हैं भाई इसके पी से। पी में क्या होता है, पी में भाई अगर आपको कहीं गाड़ी पार्क करनी है और अगर आपको गाड़ी बंद कर कर बाहर निकलना है तो आपको गाड़ी पार्किंग पर ही करनी पड़ेगी, वरना आपकी गाड़ी लॉक नहीं होगी। ये है भाई इसका, अगर जिस गाड़ी के अंदर पार्किंग का फीचर मिल जाता है उसके अंदर। जो AMT गेयरबॉक्स वगैरह होता है उसके अंदर आपको पार्किंग का ऑप्शन काफ़ी नहीं मिलता है, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव, यही तीन ऑप्शन मिलते हैं, उसके अंदर आपको न्यूट्रल पर करना है। और ये इसकी हैंड ब्रेक हर एक के अंदर अलग अलग तरीके से आती है, हैंड ब्रेक खींची और आप आराम से गाड़ी को बंद करके निकल सकते हैं। लेकिन इन गाड़ियों के अंदर ये दिक्कत है, कीलेस एंट्री वगैरह वाली जो गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, इसके अंदर आपको भाई पार्किंग के अंदर गाड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर बंद कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे भी आपने ये करा न्यूट्रल, न्यूट्रल पर अगर आपने गाड़ी बंद कर दी है, आपकी गाड़ी तो बंद हो गई है लेकिन आपकी गाड़ी बाहर निकल के अगर मैं इसको बंद करूँगा तो आपकी गाड़ी
बंद ही नहीं होती। आप कितना भी कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, लॉक नहीं लगेगा, और गाड़ी इस तरीके से आपकी बोलने भी लग जाती है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट करा और पार्किंग में करा, उसके बाद अब अगर आप गाड़ी को बंद करके बाहर निकलते तो आप गाड़ी से आराम से निकल सकते अपनी लॉक करके। ये तो भाई अलग फंडा हो गया। अब मेन बात करते हैं पार्किंग, आपको समझ आ गया। चारों पहिए लॉक हो जाते हैं जब आप पार्किंग के अंदर गाड़ी को लगाते हैं। उसके पीछे आता था रिवर्स बैक गियर लगाने के लिए। ये चीज़ भाई यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्लच टाइप दिख रहा होगा बटन, इसके अंदर क्या चीज़ है, ब्रेक जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे, अगर मैं बिना ब्रेक के यहाँ पर इसको बटन को दबा के हिलाऊंगा तो ये चीज़ नहीं हिलने वाली है। ब्रेक ही इसका एक तरीके से क्लच का काम करती है, एक मिनिमल सा क्लच मतलब कह सकते हो, उससे ये इंगेज हो जाता है ये वाला बटन। ब्रेक दबाने के बाद ये वाला बटन आपका काम करने लग जाता है। आप इसको रिवर्स में आ गई है, सबसे पहले यहाँ पर रिवर्स आ जाता है, ये आ गया न्यूट्रल, जहाँ पर लाइट जलेगी मतलब आप समझ लेना ये उसके अंदर चीज़ लग चुकी है। अभी ऑरेंज लाइट एन पर चल रही है मतलब न्यूट्रल, और इसको दबा के पीछे करा तो ड्राइव। हर चीज़ करने के लिए आपको ब्रेक दबानी पड़ेगी, उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हो। ये आपको एक तरीके से सेफ्टी दी गई है ताकि आपकी गाड़ी आगे पीछे कहीं ना भागे। जैसा कि अभी पार्किंग में, पार्किंग से आपने डी पे किया, हैंड ब्रेक को नीचे किया, आपने ब्रेक दबा रखी है, जैसे ही आप ब्रेक को छोड़ेंगे आपकी गाड़ी चलने लग जाती है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, इसी के अंदर ही एक तरीके से क्लच है, ब्रेक के अंदर ही। आपने ड्राइव पर लगाया, आपने यहाँ से ब्रेक को छोड़ा और आपकी गाड़ी आराम से चलने लग गई है, चलने लगी है। और भाई जो नए नए बिगनर्स हैं जो अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, वो ऐसा करने से पहले एक तो सबसे मेन चीज़ आपको सीट बेल्ट लगानी है। सीट बेल्ट लगाने के बाद अपने दोनों तरफ ORVM से उनको देख लेना है, हमारे को प्रॉपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जिस तरफ हम मोड़ रहे हैं पहले उस तरफ आपको चेक करना है, उसके बाद आपको ड्राइव में लगाकर गाड़ी चलानी है। और आप देख सकते हैं आगे हमारी गौ माता है, हट जाओ माता जी प्लीज़ हट जाओ, हट गई। तो भाई कुछ इस तरीके से आपको इसको चलाना पड़ेगा ड्राइव के अंदर। और आप ये देख रहे हैं अब मैंने ब्रेक से पैर हटा दिया है, वैसे अगर मैं इसको ब्रेक और रेस से दोनों से पैर भी हटा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं, तो भी आपकी 10 की स्पीड तक गाड़ी अपने आप चलती है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये चीज़ बहुत बढ़िया है इसके अंदर। और ये वाला पैर जो है ऑलमोस्ट भाई लोग क्या करते हैं, धोखा हो जाता है लोगों को कि आपका ये वाला पैर है ना भाई बार बार क्लच ढूंढता है। जो मैनुअल लोग चलाते हैं ना गाड़ी, उनके साथ ये दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है कि आपका जो ये वाला पैर है ये आपका बार बार क्लच ढूंढता है, और इसके इन केस इस चीज़ की वजह से कई बार गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जैसा आप नॉर्मल आप ऐसे पैर गाड़ी चला रहे हो और क्लच की वजह से गलती से आपका ब्रेक पे पैर चला गया तो आपकी गाड़ी वहीं पर ही खड़ी हो जाएगी और पीछे से कोई आ रहा था वो आपकी गाड़ी को ठोक सकता है, एक तरीके से इमरजेंसी ब्रेक एंगेज हो जाती है इसके अंदर। तो इसका सिंपल सा भी स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ये वाला पैर हमेशा ऐसे रखो और इस वाले पैर से आप चलाओ। आपने ड्राइव में लगाया, इससे चलाया, इसी से ब्रेक, इसी से रेस, ये सारी चीज़ करनी है और कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे ही आप स्पीड अपनी बढ़ाते रहेंगे गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट करती रहेगी, आपको कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। आप देख सकते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी स्पीड 20, अब गियर चेंज हो गया, 2000 RPM तक गाड़ी वैसे जाती है और उसके बाद अपने आप ही गाड़ी का गियर शिफ्ट कर देती है ऑटोमेटिक के अंदर, ये चीज़ें होती हैं। और आप इसके अंदर एक और ऑप्शन है जो है इसका मैनुअली गेयरबॉक्स, आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं ड्राइव। ये है भाई इसके मैनुअल गेयरबॉक्स स्पोर्ट ड्राइव मोड, जैसा कि अब टाटा हैरियर के अंदर भाई ये बाय डिफॉल्ट स्पोर्ट्स मोड के अंदर चली जाती है मैनुअल के अंदर, वैसे और गाड़ियों के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ये प्लस मतलब गियर बढ़ जाएंगे, माइनस मतलब गियर घट जाएंगे। अभी मैं देख रहे होगे आप मेरा फर्स्ट गियर लगा हुआ गाड़ी के अंदर, अब मैंने क्लच छोड़ा, ये मेरी गाड़ी चलने लग गई है। अब मैं इसको आगे कर दूंगा तो ये देखो मेरी गाड़ी का गियर चेंज हो गया, सेकंड गियर गाड़ी के अंदर लग चुका है। अब मैं इसको फिर आगे कर दूंगा, अभी भाई एक बार सीट बेल्ट लगा देते हैं, भाई सीट बेल्ट जरूर लगा के ही गाड़ी चलाना वरना रिस्की रहता है, एयर बैग भी नहीं खुलते हैं इनकेस अगर एमरजेंसी में कुछ भी गलती से हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। ये देख सकते हैं अब मैं इसका गियर शिफ्ट किया, आपका ये सेकेंड गियर में चली गई। अब मैं इसको फिर से शिफ्ट करूँगा
आपकी गाड़ी थर्ड गियर के अंदर चली गई, तो आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको क्लच नहीं मिलेगा। आप इसकी पावर को यूज कर सकते हैं। अब जैसे तीसरा गियर लगा हुआ है, मैंने इसका गियर काट दिया, अभी देखो सेकंड गियर के अंदर आ गई, अब ये पावर आएगी इसके अंदर ना, मतलब हाई आरपीएम रहती है गाड़ी के अंदर, लो आरपीएम पर नहीं चलेगी। अगर मैं जैसे मैनुअल गियर बॉक्स के अंदर आप फोर्थ गियर से सेकंड गियर पे लगा देते हो, तो आपको एकदम से पावर मिलती है इनिशियली, वो चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर ना, तो इस वजह से भी ये काफी चीज बढ़िया लगती है, और मैनुअल गियर बॉक्स से काफी ज्यादा बढ़िया लगती है सिटी के अंदर। अगर आप चला रहे हो ऑटोमेटिक, आपको काफी रिलैक्स फील होता है गाड़ी के अंदर, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप इजीली गाड़ी को चला सकते हैं। ये आपका मैनुअल गियर बॉक्स मैंने बता दिया, आगे शिफ्ट करते हैं तो आपको गियर चेंज हो जाते हैं। अभी देखो सेकंड गियर से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये सेकंड गियर के अंदर भी जीरो टू मतलब जीरो से आपकी गाड़ी आराम से उठ जाएगी। लेकिन अगर आप वैसे इससे आगे चाहेंगे, तो इससे आगे आपको गाड़ी शिफ्ट नहीं करने वाली है, मैं कितना भी करूँ सेकेंड गियर से आगे नहीं जाएगी, पीछे कर दूंगा तो आपकी फर्स्ट गियर में लग जाएगी। तो यही था भाई इसका जो भी मतलब ड्राइव चलाने के लिए ऊपर है। मेन ऑलमोस्ट लोग इसको ड्राइव के अंदर ही चलाते हैं। ड्राइव मोड पे आपने चलाया और कुछ इस तरीके से आपने चलानी है, आपको गाड़ी रोकनी है तो आपको प्यार से इसकी ब्रेक दबाओगे, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी इसकी ब्रेक दबाने की भी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, आप ब्रेक दबाते तो एकदम से टाइट ब्रेक दब जाती है, झटका लगता है। आप कोशिश करना स्टार्टिंग से ही हल्की हल्की ब्रेक दबा कर चलो, और थोड़े टाइम तक थोड़ी कम स्पीड में चलाओ, उससे आपको इसकी ब्रेक का अंदाजा हो जाएगा। तो भाई यही सारी चीजें हैं गाड़ी के अंदर, ऐसा कोई मतलब अलग से साइंस नहीं है कि गाड़ी को चलाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, आपको मैंने बता दिया है। और जैसे ही आप गाड़ी को खड़ी करते हैं, तो आपको पार्किंग में खड़ी करनी चाहिए, अगर आपके पास ऑटोमेटिक गियर के अंदर पार्किंग वाला ऑप्शन आता है तो। अगर आपका आईएमटी वगैरह आता है, उसके अंदर ड्राइव रिवर्स और न्यूट्रल ही आता है। भाई मैंने जैसे इसको सिटी दोबारा आपको ड्राइव के अंदर डाल के दिखा दिया, अभी आपकी अपने आप इन मतलब गियर शिफ्ट करेगी। अब आप इसका MID के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डी, डी बना हुआ है, मतलब ये ड्राइव मोड पर चल रही है, और नीचे लिखा हुआ है 8.5, 8.5 की गाड़ी एवरेज अभी दे रही है। ये सारी चीजें इसके अंदर शो हो जाती हैं। तो यही सारी चीजें हैं भाई ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर। इन केस अगर आप लोगों को अभी भी कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल प्रॉपर दोबारा जो भी आप पूछेंगे उसके लिए वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके बता दूंगा कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय भोलेनाथ।